अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में नारी शक्ति को बहुत ही महत्व दिया जाता है, नारी को देवी के समान माना जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में और भारत को भी हम भारत माता के रूप में ही जानते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में राजा भव महाकाल सेवा न्यास के तत्वाधान में, महिला समन्वय के तत्वाधान में मातृशक्ति सम्मेलन किया जा रहा है। पूरे दिवस 23 रविवार को किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां हमारे समाज को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उनको पहचानना और मिलजुल कर उनका समाधान ढूंढना आज की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय बहनों को एक मंच पर लाकर यह मातृशक्ति समागम किया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर CBSE मुखर्जी नगर में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यह आयोजन किया जाएगा और इसमें जो विभिन्न चिंतन के विषय हमने लिए हैं वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर, उनके जो भी समस्याएं हैं आज के युग में हम देखते हैं कि रोजगार में उनसे भेदभाव किया जाता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर इस तरह के हमने कुछ विषय निकाले हैं जिन पर हम उन बहनों से चर्चा करेंगे और उनके समाधान का उपाय ढूंढेंगे उन्हीं से चर्चा करके। तो इस तरह का कार्यक्रम हम ये करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 1000 से अधिक मातृशक्ति सम्मेलन में सम्मिलित होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद जय भारत। क्या कुछ उद्देश्य है इस सम्मेलन का? जी, यही उद्देश्य है कि सभी जो महिलाएं हैं उनकी अपने घर में तो सब बहुत अच्छा सब करते हैं, तो समाज के लिए देश के लिए उनके विषय में चिंतन करके और राष्ट्र हित में वो नारी शक्ति का कहाँ पे महत्व है और वो राष्ट्र में क्या योगदान दे सकती हैं। ये कार्यक्रम जो है राजा भव महाकाल सेवा न्यास के तत्वाधान में किया जा रहा है और महिला समन्वय में मातृशक्ति सम्मेलन है। ये काफ़ी बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है देवास जिले में पहली बार और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की जो विभिन्न वैचारिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यरत बहनें हैं उनको हम एक मंच पर लाएंगे और उनका मार्गदर्शन बाकी सभी मातृशक्तियों को इसमें मिलेगा। और इसी कड़ी में देवास जिले का जो मातृशक्ति सम्मेलन है यह 27 अगस्त रविवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सरस्वती शिशु मंदिर CBSE मुखर्जी नगर में यह आयोजन किया जा रहा है। जो ये समिति है ये मध्य प्रदेश में भी इससे पहले भी इस तरह के महिला सम्मेलन अधिकारी का बातचीत कर चुकी है? ये इस तरह का जो संवर्धनी है जो मातृशक्ति सम्मेलन है ये तो पहली बार ही किया जा रहा है। अभी प्रदेश में कहाँ कहाँ हो चुका है सम्मेलन? प्रदेश में काफ़ी जगह पे हो, काफ़ी जिलों में हो चुका है क्योंकि हर जिले का अपना एक कार्यक्रम है। तो जैसे कि अलीराजपुर में हो चुका है, ये काफ़ी सफल रहा है। उज्जैन में हो चुका है, बड़वानी, झाबुआ, इस तरह के कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। अभी कितनी महिलाएं करीब शामिल होगी और देवास सहित कहाँ से कहाँ से? जी, ये पूरे देवास जिले से हम मातृशक्ति को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कम से कम 1000 के आसपास मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित होंगे। आपका नाम, आपका पद और क्या संस्था है? जी, मैं वृशाली आपटे और ये जो संवर्धनीय कार्यक्रम किया जा रहा है उसके प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ।